हरदा में कृषि मंत्री के परिवार पर बिजली कंपनी का 3,13,582 रुपए का बकाया है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस नेता मनीष बाबूजी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री पद और सत्ता की आड़ में बिजली कंपनी का कृषि मंत्री द्वारा शोषण किया जा रहा है। दूसरी ओर हरदा जिले में किसानों की संपत्ति कुर्क की जा रही, जिन्होंने 20,000 रुपए तक के बिजली के बिल नहीं जमा किए हैं। आरोप लगाया है कि आपके बिजली का बिल बकाया है, इसको लेके क्या कहना है? अरे बिजली का बिल किस पे बकाया नहीं, लेकिन मेरे ऊपर कोई बिजली का बिल बकाया नहीं है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा, कांग्रेस क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र प्रदेश के काम कर रही है, जो हरदा में रोज हम रोज उद्घाटन भूमि पूजन कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेसी भुला गए हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये है कि विगत 2 साल से विद्युत विभाग द्वारा जो है किसानों पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, और वहीं एक तरफ मंत्री जी के परिवार पर 3 लाख से ऊपर का जो है बिल बकाया है, और विभाग जो है वो डर के मारे इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, और इनका जो है इनको आचरण के हिसाब से उदाहरण देना चाहिए। क्योंकि ये कृषि मंत्री हैं, या तो किसानों की कुर्की बंद करें या फिर अपने घर का भी बकाया जो है वो जमा करें। ये इस प्रकार से ये जो है कृषि मंत्री हैं, इनको किसानों की चिंता नहीं है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि अब ये क्या है, ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि किसान की आय दोगुनी करेंगे हम, पर ये जो वर्तमान में स्थिति जो है वो अलग रहती है, कथनी और करनी में अंतर है।